What's up guys, this is Guru Maan. मैं कुक करने वाला हूँ यहाँ पर चिकन थाइज, चिकन लेग्स. जी हाँ, मैंने सोचा आज क्विक वीडियो बना देता हूँ. और साथ में अगर आप देखें, मेरे पास है स्वीट पोटैटो, मतलब शकरकंदी. स्वीट पोटैटो को मैंने थिन स्लाइस किए हुए हैं. और आप देखें, ड्रमस्टिक, और इसको अब हम फिर क्या करते हैं, बेसिकली मतलब यह हम गेट टुगेदर करते हैं वीकेंड पर. कभी कभी गेम्स होती है, बास्केटबॉल की गेम, फुटबॉल की गेम, तो उस समय बारबेक्यू करते हैं. आज मैं अकेला बारबेक्यू कर रहा हूँ. मैं, मेरी वो बेबी खेल रही है और दिया, और मेरी वाइफ, तो हम तीनों के लिए क्विक बारबेक्यू. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने पांचों बर्नर ऑन कर दिए हैं. इसको करूंगा प्री हीट 200 फ़ारेनहाइट के पास. देखिए, ये प्रोटीन और फैट है इसके अंदर. मतलब अगर आप इस लेग्स की थाइस देखेंगे तो ऐसा लगता है कि चिकन जो है वो किसी बॉडी बिल्डर चिकन है, उसकी लेग है. मतलब ऑफ कोर्स ये नेचुरल है, मतलब ये इंजेक्टेड या हार्मोन फ्री चिकन है, तो नेचुरल बॉडी बिल्डर होगा चिकन जिसकी लेग है. फार्म में पले हैं, मतलब फार्म से. तो पांच चिकन ब्रेस्ट, चिकन थाइज, पांच चिकन थाइज के अंदर अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, तो इसके अंदर प्रोटीन 30 ग्राम प्रोटीन है और इसके अंदर फैट 25 ग्राम है. तो फैट एंड प्रोटीन, अब क्या ये फैट हेल्दी है? देखिए, रोज खाने वाली फैट नहीं है क्योंकि फिर हाई कोलेस्ट्रॉल है. लेकिन ये हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो हफ्ते में एक बार आप मीट से फैट ले सकते हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए अच्छी है. जी हाँ, तो कभी कभी हम इसका इस्तेमाल 100% कर सकते हैं. मेरे पास नॉन स्टिकी स्प्रे है, मैं तेल नहीं लगाऊंगा. तो बाहर ज़्यादा बारबेक्यू करते लोग तेल लगाते हैं. अभी वेट करता हूँ ऑलमोस्ट थोड़ा टाइम. देखिए, मैं तो ये ऑलरेडी मैरिनेट हुए हैं ऑलरेडी. अब आपके अगर घर के अंदर ग्रिल नहीं है, जो मोस्टली हमारे घरों के अंदर ग्रिल नहीं रखते, जरूरत नहीं पड़ती, तो जो ओवन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरा, घर के अंदर कुकर है ना, उस कुकर के अंदर आप चिकन बना सकते हैं बेसल दिलाकर. तो इसमें मैरिनेट किया हुआ है. ऑफकोर्स आप बिना मैरिनेशन के चिकन लाएं और बना सकते हैं, खा सकते हैं. ये काफ़ी बड़ी साइज, मैं क्या करता हूँ, मैं ऑनेस्टली तो महीने में एक से दो बार ड्रम स्टिक, जिसको चिकन लेग्स बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है और फैट भी है. आपके फैट टेस्टोस्टेरोन के लिए अच्छी है जब आप कभी कभी चीज़ों को ऐड करते हैं. तो पर डेली बेस पर इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल. कभी चिकन ब्रेस्ट लेते हैं, क्लीन है, लीन मीट है. तो एक बार मैं जो ग्रिल है इसको, ऑलराइट, अब स्वीट पोटैटोज. देखिए, स्वीट पोटैटो क्या है, हेल्दी फैट, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट. माय बैड, स्वीट पोटैटोज हेल्दी कार्ब्स. अब मैं तो एक्चुअली ऑनेस्टली दो पीस खाऊंगा बड़े. अब इसको लगभग स्लो कुक करेंगे, आधा घंटा लगेगा थी, ऑलमोस्ट आधा घंटे का टाइम. तो देखते हैं जिया क्या करती है.
तो मुझे लगभग एक घंटा हो चुका, रात हो चुकी है, तब तो जैसे कि स्लो को किया था तो चिकन रेडी है। Well, chicken is ready. चिकन रेडी है। मैंने स्लो कुक किया था, ऑलमोस्ट एक घंटा लगा। तो डिपेंड करता है किस तरह कुकिंग करते हैं आप। स्लो कुकिंग से मैंने एक घंटे किया है। अब इनमें से दो पीस मेरे, बाकी आपके।